ठीक है तो मैं सारा इंतजाम करता हूँ। अच्छा अमृता जी मैं चलता हूँ। एक मिनट कलेक्टर साहब। ओ थोड़ा कलेक्टरी का मौका हमको भी तो दीजिए। ये क्या मजाक है? तुम जानती हो मैं कौन हूँ? कलेक्टर साहब। ओ कलेक्टर साहब है ना आप? इस पूरे जिले के मालिक? क्यों है ना सही जवाब? ओ चलो अब आपकी बात, आप गैस करो कि मैं कौन हूं। ओ तो चलिए ठीक है, हम आपको बता देते हैं कि सही जवाब क्या है। सही जवाब है गूगल। वो गूगल जिसके साथियों को इस रविंदर ने पकड़वाया था और जिसके लिए आप उसको सम्मानित करने जा रहे हैं। उसी आतंकवादी गैंग का हिस्सा है ये गूगल। अब कुछ बोलना है? एक बात समझ लो, तुम यहां से बचकर बाहर नहीं जा सकती। हाँ अगर तुम मेरी बात मान लो और सरेंडर कर दो तो मैं तुम्हारी सजा कम करवा सकता हूं। ओ कलेक्टर साहब आप बिना हद करते हो। अरे ये सरकारी लोगों को बस एक ही डायलॉग आता है क्या? अरे कुछ तो नया सीख लो और चलो हम सिखा देते हैं। वैसे बहुत थक गए होगे ना, चलो बैठ जाओ। ओ बैठो, नीचे बैठो नीचे। यहां के डीएम अब हम हैं। अब ये भूल जाओ कि तुम इस जिले के डीएम हो। नहीं ते गड़बड़ हो जाएगी। लाओ फोन दो अपना। ऑल इज वेल बॉस। ओ सरफिंग, ओ नीचे आ जाओ। ए कलेक्टर साहब आए हैं, थोड़ी मुलाकात शुलाकात तो कर ले। सबको लिया। ओ मैडम चलो दरवाजा बंद करो। आओ जी आओ, वेलकम वेलकम। सर्फिंग संभाल तो इन सब लोगों को, मैं जरा चीफ से बात करके आंदी हूं। हां जी सर जी, कैसे हो? डर लग रहा है ना? मुझे भी बहुत डर लग रहा है। वो क्या है ना, मेरे हाथों जब कोई मरने वाला होता है तो मुझे एक अजीब सा डर लगता है, एक अजीब सी फीलिंग आती है। ओए ओए गूगल, तूने तो कमाल कर दिया। इस कलेक्टर को ही किडनैप कर लिया। क्या बात है गूगल, आज तो तू मुझे सुबह से खुशी पे खुशी दिए जा रही है और तेरी इन खुशियों के कारण ना मेरे पेट में दर्द होने लगा और इसी खुशी के कारण मेरा मन हो रहा है कि मैं एक गोली चला दूं। चला दूं? ओ चीफ गोली बाद में चलाना, पहले ये बताओ कि आगे करना क्या है। वो तुझे कुछ नहीं करना गूगल, तू आराम कर। अब तो जो करना है उस कलेक्टर को करना है। अरे भाई जान तो इसने अपनी बचानी है, तूने थोड़ी। लेकिन ये होगा कैसे? हाँ गूगल, अरे गूगल इतना समझाने के बाद भी तेरी कुछ समझ में नहीं आया। देख इस कलेक्टर को बोल के पहले तो उस सम्मान समारोह को कैंसिल करवा, उसके बाद रविंदर और इस कलेक्टर की जान के बदले हमारे साथियों की रिहाई। आई बात समझ में?
ओ ये तो बहुत ही अच्छा प्लान है बॉस, और बहुत ही आसान भी है। और समझो कि काम हो गया। हाँ, एक मिनट। और उस दूसरे काम का क्या हुआ गूगल? वो कौन सा? वो गूगल, वो लेटर बॉम्ब वाला, तूने ढूंढा? ओ सॉरी सॉरी, वो चीफ टाइम ही नहीं मिला अब तक। आप रुको, मैं हुणे उसको चेक करके ना आपको फोन करती हूँ। चलो गुड बाय। सारे कमरे चेक करिए लेकिन कहीं भी मिला नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि डिलीवरी हुई ना? वो नेट पर चेक कर लिया। कुरियर कंपनी का एक्नॉलेजमेंट तो बता रहा है कि डिलीवरी हो गई है, और यानी कि रविंदर भवन में पैकेट रिसीव हो चुका है। तो फिर गया कहाँ? ले, ओ ये कमरा तो चेक ही नहीं किया। वाजी वाह, दीपक तले अंधेरा। चलो जी। हेलो चीफ। हाँ गूगल। और लेटर बॉम्ब मिल गया जी, और अब तक किसी ने उसको खोला ही नहीं है। ओ कोई बात नहीं गूगल, जब तुम लोग वहां से अपना मिशन कंप्लीट करके लौटोगे ना, तो रविंद्र भवन वालों को जब ये लेटर मिलेगा तो वो इस लेटर को खोलेंगे जरूर, और इस लेटर के खुलते ही पूरा रविंद्र भवन बूम। अभी तो अपना पूरा ध्यान उस कलेक्टर पे लगा है ना। ओके चीफ। हुई चीफ से बात? हो गई जी। हाँ जी होगी। ओ आज चीफ बहुत ही मूड में। अच्छा ऐसे आइडिया दिए ना, अगर ऐसे आइडिया उसने पहले दिए होते ना तो हम कब का अपना बदला ले चुके होते। और तुझे पता है इन सब में से हमारा सबसे काम का बंदा कौन है? रविंदर। मैं भी पहले यही सोचती थी, लेकिन तैनू पता है चीफ ने किसका नाम लिया है? किसका? ओ ये कलेक्टर है ना। सरकारी दमाद जो ठहरा, और सरकार इसकी बात टाल ही नहीं सकती है। और जब सरकारी दमाद किडनैप हो जाएगा तो सरकार की भी तो बेइज्जती होगी ना, क्यों कलेक्टर साहब? ये तुम लोग क्या करने वाली हो? देखो मैं तुमको बोलता हूँ, तुम लोग ऐसा कुछ नहीं करोगी, ये सब गैर कानूनी है। हमको हमारा कर्म करने दो, नहीं तो ना साथ में तुम्हारी भी पूजा हो जाएगी। स्वाहा स्वाहा। और एक एक करके ना इन सब की भी। और ये ले, चीफ सेक्रेटरी को फोन लगा और उसको बोल कि कल का सम्मान समारोह कैंसिल करे।
और जो हमारी बात नहीं मानी ना तो शुरुआत इस रविंदर से करेंगे। रुक जा, रुक जा, रुको, मैं बात करता हूं। स्पीकर पे डाल और वही सब कहना जो परजाई जी ने कहा है। हेलो हेलो, मैं धर्मपुरा से बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर है, वेरी अर्जेंट, जल्दी बात करो, प्लीज कनेक्ट सर। सर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट धर्मपुरा स्पीकिंग। सर सर मुझे आपसे कल के सम्मान समारोह के बारे में जरूरी बात करनी है। सर वो जो बच्चा था ना छोटा रविंदर, सर उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई है सर। इम्पॉसिबल, चीफ मिनिस्टर प्रोग्राम में आ रहे हैं, वीआईपी और मीडिया को इनविटेशन भेजा जा चुका है और आप इसे कैंसिल करने की बात कर रहे हैं। सर मैं जानता हूँ कि ये मुश्किल है, लेकिन सर इस हालत में रविंदर को वहाँ लेकर आना इम्पॉसिबल है सर, क्योंकि उसके घर वालों ने उसे भेजने से साफ मना कर दिया है। ठीक है, मैं प्रोग्राम कैंसिल करवा देता हूँ। थैंक यू सर। नहीं गूगल, ऐसा मत करो, हम तुम्हारी सारी बातें मान तो रहे हैं, तुम जो कहोगी हम वही करेंगे। बोलो बोलो क्या करना है। ये अचानक से इतना सॉफ्ट कैसे हो गया? मैंने तो अभी तक कुछ करने के लिए कहा भी नहीं, तो पहले ही तैयार हो गया। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? सर्फिंग पकड़ इसको, आती हूँ मैं अभी। कलेक्टर साहब, वो दिखाई तो ये अकेले ही देता है, कोई साजिश? तेरी टीम किधर है? मतलब? और जो टीम तेरे साथ चंडीगढ़ जाने वाली थी? अरे तुमने ही तो मुझसे कहा था कि उनको फोन करके मना कर दूं यहाँ आने से, तो वो लोग यहाँ क्यों आएंगे भला? ओए, तो तू सच में आतंकवादी बनना चाहता है? जी कमाल कर रहे हो, ओ जी मैं तो आतंकवादी बन ही गया था जी, बस आगे नहीं बढ़ पाया, तो क्या करूं, वो किसी ने मुझे चांस ही नहीं दिया। ठीक है, हम देते हैं तेरे को चांस। अजी कब? अभी इसी वक्त। ये जैकेट पहन ले, ले। इसे केवल जैकेट मत समझना, अरे ये तो सम्मान है, मेडल है, मेडल। ओए अच्छा, तो भी इतना भारी है, तो ये क्या, रविंदर के सम्मान से भी बड़ा सम्मान है? ओ जी बहुत बड़ा सम्मान है, इस जैकेट में ना छोटे छोटे बॉम्ब लगे हैं। जब मैं ये एक छोटा सा बटन दबाऊंगी ना तो इसमें बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होगा जिसकी गूंज पूरे चंडीगढ़ तक फैलेगी।
सच में? तो फिर आगे क्या होगा? अरे तुम अमर हो जाओगे, हर आतंकवादी तुम्हें अपना आदर्श मानेगा। तुम्हारे फोटो पे सुंदर सुंदर गुलाब के फूल के हार चढ़ेंगे। अरे बस पता खुशी के मारे ना मैं रो पड़ूंगा। हाँ चुप करो जी चुप करो, आपकी अकल पे क्या बर्फ जम गई है, है? ओ जी, जब ये पंप फटेगा ना तो सबसे पहले तुम्हें फटोगे। हो देखो जी, ये जिसका जैकेट है ना उसे दे दो। जी सॉरी है जी, कोतवाला वाला। ओ जी प्रीतो है ना अभी मना कर रही है, मैं ना बाद में सोच के बताऊंगा। एक काम करो आप अपना जैकेट ले लो। ओए एक काम हो सकता है, जो तुझको ये जैकेट नहीं पहननी है ना तो तू ये जैकेट किसी और को पहना दे, लेकिन जैकेट किसी ना किसी ने तो पहननी होगी। वो एक काम कर, ये जैकेट रविंदर को पहना दे। नहीं नहीं रविंदर, रहम करो बच्चा है। और इस वक्त कौन हो सकता है? अखबार वाला होगा। कहीं ऐसा तो नहीं इस कलेक्टर को ढूंढने पुलिस आ गई हो? कल रात से गायब है। ओ सर्फिंग, नेट पे जरा लोकेशन चेक कर। कनेक्टिविटी डाउन है, अब क्या करें? चलो ए, चल उठ, चल दरवाजा खोल, चल चलना स्लो मोशन। अखबार उठा, दरवाजा बंद कर, चल। चल आए हाय। और रविंदर तू तो जीत गया, मैं हार गई। आज के अखबार में तेरी फोटो छपी नहीं, और लेकिन ये मेरा वादा है कि कल के अखबार में जरूर छपेगी। और वैसे चंडीगढ़ वाली खबर जरूर छपी है, विशेष कारणों की वजह से चंडीगढ़ में होने वाला सम्मान समारोह स्थगित। कलेक्टर ये काम तो तुमने कर दिया, एक और काम करना है। हुँ? क्या? हमारे जिन दो साथियों को इस रविंदर ने गिरफ्तार करवाया था उनको रिहा करवाना है, और बॉर्डर तक जाने के लिए एक सेफ रास्ता भी देना है। देखो ये मेरे हाथ में नहीं है। ओ, हम जानते हैं कि तेरे हाथ बहुत लंबे हैं, तू चाहे तो कुछ भी कर सकता है।
ये मैं नहीं कर सकता, ये नामुमकिन है। और लेकिन ये एकदम मुमकिन है कि हम सबको एक साथ खत्म कर दे। और सोच लो, एक बटन दबेगा और सबकी कब्र एक साथ इसी घर में बन जाएगी। ओ कलेक्टर साहब, जल्दी बोलो, सबकी जिंदगी आपके हाथ में है। Mumbai, थोड़ी मस्ती, थोड़ा smile.